अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़कात का पहला मकसद इंसान के नफ्स को माल की हिर्स से, हवस से और लालच से पाक करना है, और दूसरा मकसद गरीबों की मदद करना है। लेकिन ज़कात टैक्स की तरह नहीं है। जिस तरह हुकूमती इदारों की तरफ से टैक्स लगाया जाता है और उसकी शरह में, टैक्स की शरह में भी कमी ज़्यादती होती रहती है और उसके मसरफ भी और उसके ख़र्च करने की जगह भी अदलती बदलती रहती है, लेकिन ज़कात एक अहम तरीन इबादत है। इसकी एक मकदार भी मुतय्यन है, जैसे कि 2.5% माल के अंदर मुतय्यन है, और मकसद भी क्लियर है कि अमीर से ली जाएगी और गरीब को दी जाएगी। बल्कि कहा गया कि अमीर पर एहसान है, गरीब पर ज़कात एहसान नहीं। इसी तरह ज़कात और सूद में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। अब हमारे सामने दो निज़ाम हैं, एक है सूदी निज़ाम, एक है ज़कात का निज़ाम। पहले भी लोगों का यह ख्याल था, आज भी है, कि जिस तरह ज़कात का एक निज़ाम है, एक ज़कात का एक इक़्तिसादी निज़ाम है, इसी तरह सूद भी एक इक़्तिसादी निज़ाम है। इसमें भी फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। लेकिन ये बात मोहतरम सामाईन, ये बात गलत फहमी पर मबनी है, क्योंकि दोनों में, ज़कात और सूद में, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बल्कि दोनों एक दूसरे के अपोज़िट और ज़िद हैं। क्यों? क्योंकि ज़कात की बुनियाद खुदा के खौफ, खुदा की फरमाबरदारी, गरीबों के साथ हमदर्दी, आपस की भाईचारगी और माल से हिर्स और हवस को दूर करने पर है, और सूद की बुनियाद और सूद की रूह खुदा की नाफरमानी, खुदा के साथ ऐलान जंग, मजबूर, परेशान हाल, तंगदस्त लोगों के गलत मौक़ों से फ़ायदा उठाने की बुनियाद सूद पर है, और माल की हिर्स और हवस सी से बढ़ते चली जाती। अब जब दोनों का बुनियादी मकसद ज़कात और सूद की रूह ये है, तो इनका नतीजा भी इसी तरह है। ज़कात के ज़रिए से आपस में हमदर्दी पैदा होती है, एक दूसरे पर एतमाद पैदा होता है और माल की हिर्स दूर होती है, और सूद के ज़रिए से एक दूसरे से बदगुमानी पैदा होती है, एक दूसरे का भरोसा ख़त्म होता है और माल भी एक हाथ में आकर रुक जाता है। इसकी मिसाल उलमाए किराम इस तरह देते हैं कि एक समंदरी जहाज़ समंदर में चल रहा है, तभी तूफ़ान आ गया, नाखुदा मल्लाह जो का जहाज़ को चलाने वाला है वो चीखने चिल्लाने लगा। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि करीब ही में एक मकनातीसी पहाड़ है, एक मैग्नेटिक माउंटेन है, जैसे ही जहाज़ उसके करीब होगा तो जो कील के ज़रिए से जहाज़ के तख्तों को जोड़ा गया था, वो कीलों को, वो तमाम पहाड़ खींच लेगा और जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े टुकड़े होकर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जिन लोगों के पास सूदी लेन देन करते हैं, जिनके पास कुछ रख कर सूदी कर्ज लिया जाता है या किसी तरह सूदी कर्ज लिया जाता है, तो इंसान की ज़िंदगी के रूह को, इंसान की ज़िंदगी के रौनक को वो सूदी रकम, वो मखनतीसी रकम खींच लेती है, और इंसान बिल्कुल मफलूज और लाचार हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े टुकड़े होकर ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हम कि मिसाल के तौर पर किसी ने 1000 रुपये सूदी कर्ज लिया, तो कभी वो 20%, 30%, 20%, 30% पर मिलता है, तो उसको 1200 की जगह 1200 और 1300 रुपये लौटाना पड़ते हैं। वो भी जब होता है जबकि उसने वक्त पर उसको रकम को अदा कर दिया। अगर वो वक्त पर वो रकम सूद के साथ अदा ना कर सका, तो फिर बहुत ही कम वक्त के अंदर सूदी रकम असल रकम से बढ़ जाती है, और बंदा एक बड़े वक्त तक सूद ही अदा करते रहता है, असल रकम अपनी जगह पर ही रहती है, और इंसान तबाह व बर्बाद हो जाता है। इसी बुराई की वजह से जहाँ पर कुरान और हदीस में ज़कात की तारीफ इतनी नहीं की गई जितना सूद की बुराई और सूद की मजम्मत और की गई है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس। वो लोग जो सूद खाते हैं बरोज़ क़यामत इस तरह खड़ा होंगे जैसा कि शैतान ने उन पर असर करके उनको मजनून बना दिया, कि वो लोग मजनून और पागल नज़र आएंगे बरोज़ क़यामत। हदीस शरीफ में भी इसकी सख्त मजम्मत बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाग मेराज में कुछ लोगों को देखा जिनके पेट घरों की तरह थे और उसके अंदर सांप लौट रहे थे। आपने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ये वो लोग हैं जो सूदखोर हैं, सूदी लेन देन करते हैं।
आप अंदाज़ा करें, एक मामूली तकलीफ भी हमें पेट में होती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक जगह सुकून से नहीं रह सकते। जब पेट के अंदर जिन लोगों के पेट में सांप लौट रहे होंगे तो उनकी तकलीफ़ का क्या मुकाम होगा। और कई रिवायतों में सूद की मजम्मत बयान की गई है। एक रिवायत में है कि जिस कौम में सूद आम हो जाता है तो वहाँ कहर साली आ जाती है। मोहतरम सामाईन, ज़कात का निज़ाम और ज़कात के ज़रिए से जहाँ पर हमारा इनफरादी फ़ायदा है, अकेले आदमी का भी फ़ायदा है, वहीं इज्तिमाही और कौम का भी फ़ायदा है, दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का भी फ़ायदा है। इसी तरह सूद के अंदर हमारा ज़ाती नुकसान भी है और इज्तिमाही और पूरी कौम का भी नुकसान है, और दुनियावी नुकसान भी है और उखरवी नुकसान भी है। अब सामने फ़ैसला हमारे हाथ में है, किस चीज़ को हमें ख़रीद करना है और किस चीज़ को दूर करना है। जिस चीज़ से हम जितना बच सकते हैं सूद से उतना बचना चाहिए, और ज़कात फ़र्ज़ है, जितना उसको अदा करने की हमारी इस्तेआत है, हम पर फ़र्ज़ है उसको अदा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की और समझने की तौफीक अता फ़रमाएँ। आखिर में दरख्वास्त ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज़ाद मुस्लिम को सब्सक्राइब करें। और किसी और मौजू पर कोई और वीडियो बननी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।